हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर के जो 1.5 घंटे का बैक पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आए थे पेपर फर्स्ट में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि पेपर फर्स्ट का पैटर्न कैसे होगा। अगर 1.5 घंटे का पेपर होता है तो बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए पैटर्न कैसे होगा, ये भी डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि पेपर फर्स्ट बैक पेपर 2021 में बीएड सेकेंड ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये जो पेपर दिखाई दे रहा है वो 2021 में बैक पेपर हुए थे बीएड सेकेंड ईयर का। आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं कि टाइम कितने समय लगे थे आपके, 1.5 घंटे का पेपर था और 80 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, आप सबको बताया कि पेपर 3 खंड में डिवाइड होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड श, 3 सेक्शन यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड होते हैं। तो चलिए वन बाई वन क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ ही साथ पैटर्न भी समझेंगे। तो सेक्शन ए में आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे और 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को करना था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए में लिखा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है और 1 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। नंबर्स ऑफ टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में और आपको करना था कितने क्वेश्चन दोस्तों, आपको करना था केवल 5 क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्टली हम आपको क्वेश्चंस भी पढ़ के बता देते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य लिखिए। मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है। एंड डिफाइन द बैलेंस डाइट, संतुलित आहार को परिभाषित करिए। 5वां क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व क्या है। एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखना था। और दोस्तों 7वां क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द टर्म सुपरविजन, पर्यवेक्षण पद का अर्थ लिखिए। दोस्तों 8वां क्वेश्चन था आपका, राइट द मीनिंग ऑफ योगा, योगा का अर्थ लिखिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन का क्या महत्व है। और सेक्शन ए का जो आखिरी क्वेश्चन था वो था, राइट द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों ये टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके सेक्शन ए में और 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। तो सेक्शन बी की बात कर लेते हैं दोस्तों, सेक्शन बी के आपके क्या प्रश्न थे। बीएड सेकेंड ईयर 1.5 घंटे का बैक पेपर सेक्शन बी बहुत ही ज़्यादा आसान बन गया था ये फॉर्मेट 1.5 घंटे में। वजह ये थी कि आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 में भी आपको ऑप्शन 1 या 2 था, आपको इन दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है दोस्तों, और आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 2 शब्दों में हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, 5 में से किन्हीं 2 को करने थे और हर एक क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन भी था एक्स्ट्रा। तो फटाफट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या आए थे। 1 क्वेश्चन 20 नंबर का, ओ माय गॉड, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट द 1.5 आवर पेपर्स। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के प्रबंधन की क्या भूमिका होती है। अथवा राइट द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के अर्थ एवं विषयों को विस्तार को लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट होते हैं, कौन सा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के बारे में, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं 3रा क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई स्कूल इकोलॉजी, विद्यालय परिस्थितियों से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों में से आपको ये क्वेश्चन करना था। 4था आपका क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। और अथवा शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए समय सारणी का महत्व बताइए। दोस्तों 4था क्वेश्चन इस सेक्शन बी में था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी अभिक्रियाओं का क्या महत्व है। अथवा इन्यूमरेट ब्रीफली द ड्यूटीज ऑफ अ टीचर, शिक्षक के कर्तव्य को संक्षेप में बताइए। दोस्तों सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, विद्यालय समय चक्र तैयार करने के महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, मेंशन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग स्कूल टाइम टेबल।
और ऑप्शनल लास्ट क्वेश्चन था, डिफाइन डिफरेंस और डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको इनमें से किन्हीं दो क्वेश्चंस को करना है। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जब 1.5 घंटे का पेपर है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे, आपको किन्हीं दो क्वेश्चन को करना है। अब आप बीएड सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो मुझे कन्फर्म पता है, पक्का पता है कि आप जरूर ना जरूर इस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, भले पूरे साल अगर आपने किताब नहीं खोला हो। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन से। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आपने बहुत बार इस पे एस्से लिखा होगा, बहुत इस पे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत इस पे न्यूज़ देखा होगा, तो ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन था, इजीली आप एक क्वेश्चन को ये आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए समय सारणी का महत्व बताइए, डिस्कस द रोल ऑफ टाइम टेबल टू मेक एजुकेशन इफेक्टिव। तो आपको बस दो ही क्वेश्चन था और आपके दो क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ या बहुत कुछ लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तब भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई मत करिएगा, किसी दो यूनिट को आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, आप इजिली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे सेक्शन बी के और सेक्शन सी के। सेक्शन ए के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी तो और भी ज़्यादा इजी फॉर्मेट हो गया है, एक्चुअल में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन, सॉरी इसमें तो आपके 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर में केवल 10 तक ही क्वेश्चन होता है, 11वां नहीं होता। मगर सेकेंड ईयर में आपको देखिए आपके टोटल 5 क्वेश्चन मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आपके टोटल 5 क्वेश्चन है दोस्तों, और 5 में से करना किसको है, किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए लगभग 500 शब्दों में, और वो एकमात्र प्रश्न ही 30 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल मैनेजमेंट, डिस्कस इट स्कोप, विद्यालय प्रबंधन का आशय क्या है, इसके विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटर स्टेट इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, डिस्कस इन डिटेल, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में केंद्र व राज्य की क्या भूमिका है, सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनसीटीई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के प्रशासन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों 10वां क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ अ टीचर ऑफ फॉर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उत्तरदायित्वों के एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्यावरण हेतु आवश्यक वर्तमान दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द नेसेसरी प्रेजेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें भी दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए और करना बस एक क्वेश्चन है, इजिली आप इसके बारे में लिख सकते हैं, पर्यावरण के बारे में इजिली आप लिख सकते हैं, इवन आपने पढ़ाई नहीं की है तब भी आप इजिली, अगर थोड़े बहुत भी पढ़ाई किए हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर लिख लेंगे। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उत्तरदायित्व एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करिए कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में से आपको टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, सो सेक्शन बी से आपके 40 नंबर के और सेक्शन सी से एक ही क्वेश्चन करना है 30 नंबर का। तो इन दो सेक्शन से 70 नंबर का क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे, बिल्कुल भी आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बस किताब को देखते रहिए, किताब को 2 यूनिट एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए, इजिली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और रही बात सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में भी आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से आपको 5 करने हैं, तो आप डेफिनेटली इजिली कर पाएंगे अगर आप 3 यूनिट तक पढ़े हैं। तो दोस्तों ये था बीएड सेकेंड ईयर को लेकर चर्चा, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। और याद रखिए दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं कैसे और इसको बेहतर बना सकता हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो की एक खासियत यह है कि मैंने कभी किसी भी वीडियो में शुरू में नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई बिलीव कि मैं आपको अगर आप अपना अच्छा ओपिनियन दूंगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप स्वयं ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और हाँ मैं लास्ट में रिपीट करना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, और इजी पेपर आएगा, इजीली हम कर लेंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी समस्या हो, कोई आपके पास जानकारी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिए, बाय।